न्यूज आ रही है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे कि समीक्षा अधिकारी की भर्ती, कुछ बेकूफ यूट्यूबर्स आपको बताए थे कि वैकेंसी अभी नहीं आएगी, ठीक है। देखिए आपको बता रहे थे कि वैकेंसी अभी नहीं, सेकेंड वीक यानी 15-20 अक्टूबर के नियर अबाउट आएगी, बट ऐसा नहीं है। आपको बताया गया था कि 1 से 10 तारीख के बीच वैकेंसी, 11 तारीख के बीच देखने को मिल सकती है, तो हाँ वो आ गया है विज्ञापन, शॉर्ट नोटिस आ गई है, कल से आपके फॉर्म ओपन हो जाएंगे। देखिए साफ साफ दिया गया है, न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, क्या है कि इस परीक्षा का संक्षिप्त विज्ञापन 9 अक्टूबर 2023 से आयोग की वेबसाइट, ठीक है, तो आपको इस वेबसाइट पे uppcs.nisu.up.nic.in पे उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्र, प्रोफार्मा, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है, परीक्षा केंद्रों, जिलों के नाम, आयु के संबंध में छूट, ये सब आदि उपलब्ध रहेंगे। OTR नंबर बहुत ज़रूरी है, एकल अवसरीय पंजीकरण, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो जिन्होंने भी नहीं किया है आज से कल तक कर लें, ठीक है। ये अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात अर्हता होने की स्थिति में आवेदन करें, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, रिक्तियों का विवरण आपको देखो दिया जा रहा है, उस टाइम 180 वैकेंसी आपको दी गई थी कि इतना अधियाचन प्राप्त हुआ है, तो सारे महानुभाव लोग आपके आ गए थे कि 180 वैकेंसी है, ये है वो है, मैंने कहा था ज़्यादा नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, 300 है, ये है वो है, तो सभी की वो अवधारणाएं गलत निकली हैं, 411 वैकेंसी आपकी हो गई हैं, ठीक है। और आपका जब तक प्री का रिजल्ट आएगा या प्री का पेपर होगा तब तक ये 500 तक होने की बिल्कुल उम्मीद है, ठीक है। अब इसमें ये हो सकता है कि RO की वैकेंसी 180 या 280 रहें, ठीक है, RO की वैकेंसी कम हो सकती है, AR की ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो ये आप ये समझ लीजिए, बिंदु 9 पे आपको दिया गया, आयु आपको देखिए क्या दी गई, 1 जुलाई 2023 को जो 21 साल के पूरे हो रहे हों, 1 जुलाई से आपकी एज काउंट की जाएगी, और 40 वर्ष इसकी मैक्सिमम आयु होती है, सभी को पता है, ठीक है। यानी आपका जिनका जन्म 2 जुलाई 2023 से पूर्व और 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपको दिया गया है। विभिन्न श्रेणियों के बारे में बताया गया, OTR बहुत ही अनिवार्य है, OTR कर लीजिए, आज कर लीजिए, कल कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट डेट क्या है, 9 नवंबर, ठीक है, प्रकाशित होने की तिथि 9, अंतिम सॉरी तिथि क्या है 9 नवंबर, और दिनांक आपकी कौन सी है, ये प्रयागराज 7 अक्टूबर। देखिए अब आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है, तो 9 नवंबर तक तो आपके फॉर्म फिल होंगे, ठीक है, दिसंबर तक आपकी पूरी प्रोसेसिंग होगी, तो मे भी ये एग्ज़ाम जनवरी की तरफ जाता दिख रहा है, बहुत लोग फरवरी भी बता रहे थे, बट अभी ऐसा मान के ना चलिए, क्योंकि PCS का पेपर विद इन 45 डेज में आपका हो गया था, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए, OTR कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है OTR आप सभी के लिए, जिन्होंने भी नहीं किया है, तो अब आप जुट जाइए अपनी तैयारी में। आपको क्लासेस हमने कुछ दी हुई थी, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस किसी वीडियो पे आया था, किसी वीडियो पे नहीं था, क्योंकि आप लोग मान रहे थे वैकेंसी नहीं आ रही है या 180 वैकेंसी आ रही है, बट ऐसा नहीं है। आपको हिस्ट्री जिसमें मेडिवल से ज़्यादा मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री आपको कम से कम अच्छे से तैयार करनी है, यहाँ से कम से कम आपके 28 से 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन भी पिछली बार तो आए थे, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी आपको तैयार करनी है, कम से कम 25 से 27 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, और UP के करेंट अफेयर और ओवरऑल करेंट अफेयर आपको पढ़ना है, 35 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। क्वालिटी अब आपकी थोड़ी सी कम पूछते हैं, पूछने का मतलब क्या है, पहले 25-25 क्वेश्चन आते, लेकिन अब आपके 10 या 11-12 ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी करंट अफेयर से भी रिलेटेड होते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे से तैयार हैं, तो आप समीक्षा देख रहे कि कट ऑफ को GS में आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। GS में आता है क्या, देखिए 140 नंबर का पेपर होता है, 140 क्वेश्चन GS के आएंगे, इसमें आपको कम से कम 80 या 85 स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। अगर 70 भी स्कोर है, फीमेल्स की बात की जाए, अगर 70 भी इसका 50% भी ले आती हैं, लेकिन उन्हें हिंदी में कम से कम 60 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, यहाँ आपको कम से कम 52 नंबर मैक्सिमम मिल जाते हैं, 52 से 58 के बीच। तो अगर आप 52 नंबर इधर ले आ रहे हो, 70-75 नंबर उधर ले आ रहे हैं, तो फीमेल्स की कट ऑफ आराम से क्वालिफाई हो जाएगी। मेल्स के लिए कम से कम 80 नंबर इधर से और 55 नंबर इधर से, 135 नंबर, ठीक है। चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, डेली करंट अफेयर क्लासेस आपको मिल रही हैं, और भी मंथली करंट अफेयर्स आपको दिया गया, अगस्त और सितंबर का बहुत इंपॉर्टेंट, उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा।